इमरान खान साहब के हमरा हम इस्लामाबाद में पेश होंगे। वहाँ पर तीन मुकदमा एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, जो कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर, ये रोड ब्लॉक हुआ, ये ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये तोड़फोड़ हुई, और आज तोशाखाना का ट्रायल भी है आज। और इसके साथ साथ दो केसेस जो नैब में लगे हुए हैं, एक अलकादर ट्रस्ट बुशरे बीबी के, इसी तरह आज दो केस लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन खान साहब ने ज्वाइन करनी है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ना हो, जब तक आप शामिल तफ्तीश ना हो, तब तक बेल आपकी कंफर्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन जहां पर ज्वाइन होगी बुशरे बीबी के ऊपर भी है। आज इमरान खान साहब के हमरा हम इस्लामाबाद में पेश होंगे। वहां पर तीन मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, जो कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ रोल ये है कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर ये रोड ब्लॉक हुआ, ये ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये तोड़फोड़ हुई, यानी कि मशवरे का रोड है। उसके अलावा छह मुकदमात तहर सिप्रा साहब के पास लगे हुए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है, और उनमें भी सेम यही रोल है, जिसमें एक तोशाखाना की FIR भी है, और आज तोशाखाना का ट्रायल भी है आज। और इसके साथ साथ दो केसेस जो नैब में लगे हुए हैं, एक अलकादर ट्रस्ट और एक तोशाखाना केस, बुशरे बीबी के, इसी तरह आज दो केस लगे हुए हैं। और छह के करीब केसेस में इन्वेस्टिगेशन खान साहब ने ज्वाइन करनी है। पुलिस से मुसलसल पिछली डेट से हम रबते में हैं, लेकिन अभी तक हमें टाइम नहीं दिया गया। जब तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ना हो, जब तक आप शामिल तफ्तीश ना हो, तब तक बेल्स आपकी कंफर्म नहीं होती। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास जाके ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और छह मुकदमात में खान साहब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, अगर हमें पुलिस की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो। और वहां पर इन्वेस्टिगेशन जहां पर ज्वाइन होगी, वहां पर एक मुकदमा बुशरे बीबी के ऊपर भी है, तो लिहाजा टोटल कहीं 20 के करीब केसेस खान साहब के और बुशरे बीबी के बनते हैं इन्वेस्टिगेशन समेत। नाजरीन जी, आप देख सकते हैं इस वक्त बुशरा बेगम भी चेयरमैन तरीके इंसाफ उनके साथ हैं, ये खड़े हुए हैं, कोर्ट रूम के अंदर खड़े हैं, और कोर्ट रूम से वो अपनी हाजिरी लगवाने के बाद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप ब्लैक जो ड्रेस है इसमें देख सकते हैं कि चेयरमैन तरीके इंसाफ के बाएं जानब बुशरा बेगम भी उनके साथ हैं, जो उनके अहलिया हैं। तोशाखाना केस में इनको भी तलब किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि बुशरा बेगम आगे हुए हैं और साबिक वज़ीरे आज़म उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सिक्योरिटी के हज़ार में वो जा रहे हैं। काफ़ी वकला जो उनके हैं वो उनके साथ हैं। बुशरा बेगम आगे और उनके जो हस्बैंड हैं साबिक वज़ीरे आज़म वो पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। ये आप इस वक्त मनाज़र जो देख रहे हैं, ये कोर्ट रूम के मनाज़र हैं, जहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस भी है और उनका ज़ाती अपना सिक्योरिटी का जो अमला है वो भी साथ साथ चल रहा है। ये सब सिक्योरिटी के असार में वो थल से बाहर निकल रहे हैं, और ये आप इस वक्त लाइव मनाज़र देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर के चेयरमैन तरीके इंसाफ और उनकी अहलिया इस वक्त कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे हैं। इस्लामाबाद में आज मुख्तलिफ मुकदमात में इन दोनों जो पेश हुए थे, हस्बैंड वाइफ, जहाँ पे एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी इनकी पेशी थी, उसके बाद एडिशन सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट में भी इनकी पेशी थी, साथ साथ तोशाखाना केस में भी इनकी पेशी थी। तो मुख्तलिफ अदालतों में आज पेश हो रहे हैं। जिस वक्त आप मनाजर जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये लाइव मनाजर है। इस्लामाबाद पुलिस की भी काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।